कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हमारी बातें समझ में आए या ना आए, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। एक उपाय है, भगवान तुम्हारे सारे कर्म को नष्ट कर सकते हैं। जो गलतियां हो अब चेसु दुराचार, चाहे जितना बड़ा गलती हो गई हो, कोट विप्र बदला गए जाहु आए शरण तजो नहीं, करोड़ों अपराध बन गए हो ब्रह्म हत्या जैसे, तो भी भगवान माफ कर देते हैं। जैसे मुकदमे में हम हार गए, सही बात पकड़ी गई, जज ने हमें फांसी की सजा दे दी, तो एक उपाय केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, नहीं अब कोई उपाय नहीं। हम फंस गए काल के घेरे में, अब हमें कोई नहीं बचा, एकमात्र शरणागत वत्सल भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान का भजन करो, जैसी भी परिस्थिति हो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही, और जब चिंतन भगवान से होगा तो संभालते रहेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों की भगवान आगे आकर के स्वयं संभाले हैं। हमें डरना नहीं, खूब नाम जप करना है। ये मनुष्य जीवन डरने के लिए नहीं मिला, भयभीत हो निर्भय पद प्राप्त करने के लिए मिला।